बर्तमान सबुठ बड़ खबर पुणी आसुची आउ एक बात्या। गुलाब जीवा परे शाहीन नामक आउ एक बात्या तार कराल रूप देखाई एबे समस्तंकु भयभीत करिबारे लागिछि। तबे एही बात्या केबे ओ केउंठी लैंडफॉल करिबो एवं एहार प्रभाव केउ केउ राज्य मानकरे अधिक रहिबो सविशेष तथ्य जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आ प्रथम थर चैनल वीडियो देखुतले चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर आसुवा बेल आइकन उपर प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करने को बिल्कुल भी भूलिबे नहीं। तो एबे चलंतु संपूर्ण वीडियोटी देखिबा। तेबे गुलाब न जाउणु पुणी एक सामुद्रिक झड़ शाहीन सृष्टि हेबा नेई भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्व अनुमान करा जायछि। सामुद्रिक झड़ शाहीन सेप्टेम्बर 30 तारिख संध्या सुधा उत्तर पूर्व अरब सागर एवं गुजरात उपकूल रे घनीभूत हेबार पूर्व अनुमान करिछि आईएमडी। परवर्ती 24 घंटा मध्य उत्तर पूर्व अरब सागर रे यह अधिक उग्र रूप धारण करिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्व अनुमान करा जायछि। म्यांमार उपकूलरु पूर्व केंद्रीय एवं उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे शाहीन सृष्टि हेबा नै प्रक्रिया जारी रखिछि। एही अंचल उत्तर पूर्व एवं बंगोपसागर पूर्व मध्य भागरे अवस्थित। एहार प्रभाव रे पश्चिम बंग ठारू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एवं बांग्लादेश उपकूलवर्ती अंचल रे आसंता 12 घंटा मध्य एक निम्न चाप अंचल सृष्टि हेबार संभावना रहितिबा आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्व अनुमान करा जायछि। आसंता 2 दिन मध्य पश्चिम उपकूल रे पवन अधिक शक्तिशाली हेबार संभावना रहिछि। एहार प्रभाव रे आसंता 2-3 दिन पई गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोंकण, मराठावाड़, सौराष्ट्र एवं कुची आदि अंचल रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। सेहिपरि झारखंड, गांगेटिक, पश्चिमबंग, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं कराईकाल विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा आगामी 2-3 दिन मध्य हेबार संभावना रही। तेबे सबुठारु बड़ कथा हेउची ओडिशा रे एहार कोनोसी प्रभाव पड़िबा नै एपर्यंत स्पष्टीकरण मिली पारि नै। तेनु ओडिशावासी माने भयभीत हेबार आवश्यक नै।